वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल एसपी टेक्निकल सर्जी। तो जैसा कि हम बता दें कि आज हम देखने वाले हैं हाफ लाइफ, और अगर हम बात करें हाफ लाइफ का तो हाफ लाइफ ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया है। अगर यदि आप देखेंगे तो पेपर उठा कर तो आपके दो नंबर में ये क्वेश्चन पूछा है कि हाफ लाइफ क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट से आप लोग एग्जाम्स के लिए क्या बताए आगे चल करके आप लोग के एग्जाम्स में भी पूछ दे। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं कि डिफिनेशन क्या है, हाफ लाइफ होता क्या है, उसका फार्मूला क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है। तो हर चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखा है, बस आप लोग को अच्छे समझना है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। हाफ लाइफ इज द टाइम पीरियड इन विच अ सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड बाय 50% ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। यानी कि हाफ लाइफ एक टाइम पीरियड होता है जिसमें कि कोई सा भी सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का वो आधा हो जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई सा भी सब्सटेंस हो वो अपने इनिशियल अमाउंट का एक टाइम पीरियड में वो 50% ही सिर्फ बचता है, वो हमारा क्या कहलाता है, हाफ लाइफ कहलाता है। जैसे कि अगर यदि मान लीजिए कोई सा भी हम सब्सटेंस लेते हैं और उसका अमाउंट 100 ग्राम शुरू में था, ठीक है, इनिशियल में 100 ग्राम था, तो फिर जब टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ यानी कि एक टाइम पीरियड में अगर देखेंगे तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 50 ग्राम, यानी आधा कितना हो जाएगा, 100 ग्राम का 50 ग्राम ही आधा रह जाएगा। और अगर यदि हम बात करें हाफ लाइफ को डिनोट किससे करते हैं, टी हाफ T 1/2 से हम इसको डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, टी हाफ इसका 0.693/λ इसका फार्मूला होता है। और लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, लैम्डा होता है। और अगर यदि हम इसी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल देंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यदि ये क्वेश्चंस आपके पूछेगा दो नंबर में, आप लोग डिफिनेशन लिख दिए, फार्मूला लिख दिए, लैम्डा को लिख दिए क्या होता है, लेकिन एग्जांपल नहीं लिखेंगे तब भी आपका अधूरा ही क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जांपल के बिना हम बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो चीज़ों को नहीं समझा सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल जरूर लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है, आयोडीन 131 ये 8 डे में अपने आधा ही अमाउंट हो जाता है, यानी कि अगर इसका हाफ लाइफ की बात करें आयोडीन का तो क्या हो जाएगा, 8 डे। और सोडियम 22 का हाफ लाइफ क्या होगा, 2.6 ईयर। और जिंक 65 का हाफ लाइफ क्या होगा, 165 डे। और पोलोनियम 212 का हाफ लाइफ क्या होगा, 3×10⁻¹ सेकेंड। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका हाफ लाइफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।